रमेश शादी करके अपनी बीवी को घर ले आता है। उसकी माँ शारदा बहू अनामिका को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, वाह बेटा रमेश, तू बहू रानी तो बड़ी सुंदर ले आया है। शारदा की बातें सुनकर रमेश कहता है, अगर तुम्हारे भरोसे रहता तो तुम तो सिर्फ तुम्हारी सेवा करने वाली बहू ले आती। रमेश की बातें सुनके शारदा कहती है, अरे कमबख्त, तो क्या यह मेरी सेवा नहीं करेगी। उन दोनों की बातें सुनके अनामिका कहती है, आप घबराइए नहीं माँ जी, मैं आप दोनों की पूरी तरह से और बराबर सेवा करूंगी। तभी शारदा की नजर अनामिका के जेवर पे पड़ती है और वो कहती है, बहू तुमने जेवरात तो काफी सुंदर पहने हैं, शायद तुम्हारे मायके में सोना ज्यादा देते हैं। माँ जी हमारे यहाँ तो यही रिवाज है, लेकिन मेरे माता पिता ने ये भी कहा है कि ससुराल जाते ही सारे जेवरात अपनी सासू माँ के हाथ में दे देना। अनामिका की बातें सुनके शारदा बहुत खुश होती है और कहती है, वाह रमेश, बहू तो काफी समझदार भी है। शारदा खुश होकर अनामिका को गले लगा लेती है। अनामिका अपने सारे जेवरात शारदा को दे देती है। दूसरे दिन शारदा को पता चलता है कि उसके गले का चेन गायब है। फिर वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगती है, हाय रे, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, चोरी हो गई मेरे घर से। इस तरह चिल्लाते देख रमेश भाग कर आता है और पूछने लगता है, माँ आप अपने कमरे या बाथरूम में देखा है ना, कहीं वहाँ तो नहीं गिरा। शारदा रोते रोते कहती है, बेटा मैं कभी अपना चेन गले से नहीं उतारती। तभी वहाँ अनामिका कहती है, माँ जी कल आप बाजार गई थी, शायद वही कहीं गिर गई हो। शारदा याद करते हुए कहती है, हाँ बाजार तो गई थी, मुझे याद है बाजार में एक औरत ने मुझे धक्का भी मारा था, शायद उसी ने निकाल ली होगी। चलिए माँ जी हम पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन करते हैं। तभी शारदा कहने लगती है, जाने दे बहू, असली सोने की थोड़ी न थी। अनामिका आश्चर्य होकर पूछती है, मतलब क्या आपने जो भी जेवरात पहने हैं वो सब नकली हैं? हाँ बेटा ये सब नकली है, असली सोना तो अलमारी में रखे हैं, जहाँ पर मैंने कल तेरे भी जेवरात रखे हैं। शारदा की बातें सुनके रमेश बहुत चिंतित होके कहता है, माँ अब तुम्हारी उम्र हो रही है, तुम अलमारी की चाबी अब अनामिका को दे दो, वरना इन्हें भी गुम कर दोगी कभी तुम। रमेश के सुझाव पर शारदा तैयार हो जाती है और वो कहने लगती है, सही कहा बेटा, आजकल मैं बहुत सारी चीजें भूल जाती हूँ, ले बेटा अनामिका आज से अलमारी की जिम्मेदारी तेरी। अनामिका चाबी लेकर बहुत खुश हो जाती है। दूसरे दिन रमेश ऑफिस के लिए तैयार होके हॉल में आता है और कहने लगता है, माँ तुमने कहीं मेरा बटुआ देखा क्या। रमेश की बातें सुनके शारदा कहती है, क्या तुमने भी तुम्हारा बटुआ बाजार में तो नहीं गुम कर दिया। नहीं नहीं माँ, मैं तो बाजार गया ही नहीं, बटुआ कल रात को तो मेरे पास ही था। तभी अनामिका कहती है, लेकिन कल रात को तो मैंने आपका बटुआ कहीं नहीं देखा, हो सकता है आप ऑफिस में भूल आए हो। हाँ लेकिन अब मेरे जेब में एक रुपए भी नहीं है, और बिना पैसे के मैं बाहर कैसे। माँ तुम्हारे पास कुछ पैसे है तो दे दो। तभी अनामिका अलमारी से कुछ पैसे निकाल कर रमेश को दे देती है और कहती है, सासू माँ अलमारी में भी काफी कम पैसे हैं, मुझे लगता है कि हमें बैंक से पैसे निकाल ले आना चाहिए। अनामिका की बातें सुनके रमेश कहता है, ठीक है मैं आते वक्त एटीएम से कुछ पैसे निकाल ले आऊंगा, अभी मुझे ऑफिस के लिए बहुत देर हो रही है। आप क्यों तकलीफ करेंगे, मैं एटीएम चली जाऊंगी, आप अपना एटीएम और पिन नंबर मुझे दे दीजिए। शारदा भी बहू की बातों पर तैयार होके रमेश से कहती है, हाँ बेटा रमेश, अपनी बहू अनामिका बड़ी समझदार है, वो खुद पैसे निकाल कर ले आएगी और अलमारी में रख भी देगी, तू एटीएम उसे दे दे और आराम से ऑफिस चला जा। रमेश अनामिका को एटीएम दे देता है और वो दोनों बाहर की तरफ चले जाते हैं। शाम को रमेश जब घर आता है तो शारदा कहती है, अरे बेटा अनामिका कहाँ है, मुझे लगा वो तेरे साथ थी तो तेरे साथ ही आएगी। शारदा की बातें सुनके रमेश बहुत आश्चर्य होता है और फिर कहने लगता है, माँ मैंने उसे बैंक के पास छोड़ा और मैं ऑफिस चला गया था, मुझे लगा पैसे निकाल के वो घर आ जाएगी। जब रमेश ऐसा कह ही रहा था
तभी रमेश के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। वो पढ़ के रमेश आश्चर्य होकर कहता है, अरे ये क्या, मेरा बैंक का पूरा अकाउंट ही खाली हो गया, जीरो बैलेंस का मैसेज आया है। तभी शारदा कहती है, कहीं बहू पैसे निकाल कर मायके तो नहीं चली गई? रमेश परेशान होकर कहता है, माँ उसका तो फोन भी नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है, कब से मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये सारी चीजें देखकर शारदा को थोड़ा संदेह होता है। वो अंदर जाके जैसे ही अलमारी खोलकर देखती है, जोर से चिल्लाने लगती है, बेटा हम तो लुट गए, किसी चोर ने सारी अलमारी लूट ली, हाय राम। ये सुनकर रमेश भी बहुत आश्चर्य होता है, उसे पूरी बात समझ में आ जाती है और फिर वो दुखी होकर कहने लगता है, तुम अभी भी नहीं समझी माँ, ये सब अनामिका ने किया है, वो कोई मामूली लड़की नहीं थी, लगता है वो कोई शातिर चोर थी जो हमें धोखा देकर चली गई। लेकिन तुझे इतना यकीन कैसे है, शारदा इस तरह से पूछती है। तभी रमेश उसे एक एक बात याद दिलाते हुए कहने लगता है, याद कर जिस दिन वो तेरे गले लगी थी, उस दिन तेरे गले का चेन गायब हो गया था, उस दिन जब तू चाबी दी थी तेरे हाथ की अंगूठी गायब हो गई थी, और परसों रात जब हम दोनों अंदर के रूम में थे तब मेरा बटुआ गायब हो गया था, आज ATM लेकर वो गई और पूरा बैंक ही साफ कर दी। रमेश की बातें सुन के शारदा हाय तौबा करती है और कहने लगती है, हाय राम हम तो लुट गए बेटा, अच्छा होता अगर मैं खुद तेरे लिए लड़की ढूंढ ले आती। शारदा को शांत करते हुए रमेश कहता है, माँ लेकिन हम ऐसे चोर को आसानी से थोड़ी ना जाने दे सकते हैं, आज हमारा घर बर्बाद हुआ है कल किसी और का होगा, हमें ऐसी लड़की की कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में करा देनी चाहिए। रमेश की बातों पर शारदा सहमति जताते हुए कहती है, हाँ बेटा तुम तो सच्ची कह रहे हो, हम तो लुट गए लेकिन जाते जाते अनामिका ने हमें सबक सिखाया है कि कभी भी किसी पर इतने आसानी से भरोसा हमें नहीं करना चाहिए, तू भी ये बात गांठ बांध ले और चल अब पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन करते हैं। फिर रमेश और शारदा दोनों पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हो जाते हैं और कहानी यहीं खत्म होती। सवेरे सवेरे रमेश अपने डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए बैठा था, तभी शारदा हलवा लेकर आती है और दूसरे तरफ से अनामिका उपमा लेकर आती है। शारदा आकर कहने लगती है, आज मेरे बेटे के लिए मैंने हलवा बनाया है, मेरा बेटा तो यही खाएगा। शारदा की बातें सुन के अनामिका कहती है, लेकिन माँ जी मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि आज उपमा बनेगा, आपने तो बेवजह ही हलवा बना दिया। तभी शारदा रमेश को फुसलाते हुए कहती है, रमेश बेटा तुझे हलवा पसंद है इसीलिए सवेरे सवेरे उठकर तेरे लिए हलवा बनाया है, अब तू तो मेरे हाथ का ही हलवा खाएगा। हाँ अरे माँ जी आपका हलवा ये बाद में खा लेंगे, पहले ये मेरा उपमा खाएंगे। अरे तेरे उपमा में क्या काजू पड़े हैं? मेरा बेटा तो मेरा हलवा ही खाएगा। शारदा की ऐसी बातें सुन के अनामिका फिर कहती है, मेरी बात मानिए माँ जी हलवा आप ही खाइए, वैसे भी अब आपके दांत ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं है ना। अनामिका की ऐसी बातें सुन के शारदा को बड़ा गुस्सा आता है, शुरू हो गई इसकी बकवास, बेटा इसकी बात पर ध्यान मत दे और तू ले हलवा का मीठा और करारा स्वाद चख। अनामिका भी जिद पकड़ लेती है, नहीं ये मेरा उपमा ही खाएंगे। नहीं मेरा हलवा। उनकी लड़ाई देख रमेश परेशान हो जाता है और दोनों की तरफ देखकर जोर से चिल्लाता है, अरे चुप करो तुम दोनों, मैं हलवा और उपमा दोनों साथ में ही खा लेता हूँ। ऐसा कहकर रमेश दोनों एक साथ खाने लगता है। तभी शारदा कहती है, मैं मेरे बेटे का सबसे ज्यादा ख्याल रखती हूँ और मैं ही ज्यादा प्यार भी करती हूँ, इसीलिए उसका मन पसंद हलवा बनाया था। ख्याल तो मैं इनका ज्यादा रखती हूँ, उनको तो उपमा ही अच्छा लगता है, मैं उनसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, क्यों जी? उन दोनों के बीच की बहस सुन के रमेश कहने लगता है, अगर तुम लोगों को पता करना है कि तुम दोनों में से मेरा ज्यादा ख्याल कौन रखता है तो एक मेरे लिए रेस जीतनी होगी। मैं तो हर रेस में इस लड़की से आगे ही हूँ, शारदा कहती है। तभी अनामिका भी कहने लगती है, मैं ही जीतूंगी, आप बताइए कौन सी रेस लगानी है। फिर रमेश कहता है, टायर चलाने की।
रमेश की बातें सुन के दोनों हैरान रह जाते हैं। फिर दोपहर में तीनों एक ग्राउंड के पास तीन टायर लेके पहुंच जाते हैं। वहां रमेश कहने लगता है, माँ ये आपका टायर और अनामिका ये तुम्हारा टायर। अब तुम ये टायर लेके दोनों रेस लगाओगे। जो जीतेगा वही मेरा सबसे ज्यादा ख्याल रखता है और मुझसे ज्यादा प्यार करता है। रमेश की बातें सुन के फिर शारदा कहती है, लेकिन ये तीसरा टायर लेकर क्यों आए हो? ये मेरा टायर है, अगर कहीं मैं जीत गया तो तुम दोनों का ख्याल मैं सबसे ज्यादा रखता हूँ। रमेश की बातें सुन के शारदा कहती है, लेकिन तू तो रखता ही है, इसमें रेस में हिस्सा लेने की क्या जरूरत है? जरूरत है, कहीं तुम दोनों ये ना समझो कि तुम दोनों ही मेरा ज्यादा ख्याल रखती हो। अब रेस शुरू होती है, शारदा और अनामिका आगे दौड़ने लगती है। रमेश उनके पीछे पीछे धीरे धीरे अपना टायर चलाता है और मुस्कुराता है। उधर अनामिका कहती है, अरे माँ जी आपको तो व्हील चेयर लेकर आना चाहिए था, दौड़ते दौड़ते कहीं आपकी सांसें फूल गई तो आपका यही राम नाम सत्य हो जाएगा। तब शारदा कहती है, तेरी मन की बात तेरे जुबान पर आ ही गई, लेकिन तू हार जाएगी। लिख के ले लीजिए, आप ही हारेंगी। मैं आज तक किसी रेस में कभी हारी नहीं हूँ बेटा। मैं तो पैदा ही जीतने के लिए हुई हूँ माँ जी। ऐसा कहकर अनामिका आगे निकल जाती है। शारदा अपनी आंचल से एक पत्थर निकालकर उसके टायर के सामने फेंकती है और टायर डगमगाने लगता है। तभी अनामिका कहती है, सासू माँ ये आपने चीटिंग की है, मेरा टायर तो रास्ते से भटक रहा है, अरे अरे कोई संभालो। जब तुझे पता था कि मैं जीतने वाली हूँ तो आगे आगे क्यों गई? अब मैं तेरे आगे चली। जब शारदा फिनिशिंग लाइन के पास पहुँचने ही वाली थी तभी अनामिका एक लकड़ी शारदा के टायर के ऊपर फेंकती है। शारदा का टायर वहीं से हिलते हुए दूसरे रास्ते की तरफ चला जाता है। ये देखकर शारदा कहती है, अरे अरे मेरा टायर मुझे छोड़कर कहाँ चला गया? हे भगवान मैं तो हार गई। शारदा को उदास देखकर अनामिका खुश होती है और कहने लगती है, जब मैं नहीं जीत सकती तो आप कैसे जीतेंगी? तभी पीछे से रमेश आता है और अपना टायर लेकर फिनिशिंग लाइन पर पहुंच जाता है और रेस कंप्लीट करता है। फिर रमेश कहता है, मैं तो जीत गया। तभी शारदा कहती है, अरे इसने मेरे टायर को लकड़ी फेंक कर मारी थी, नहीं तो मैं फिनिशिंग लाइन पर आ गई थी। टायर तो मेरा भी फिनिशिंग लाइन तोड़कर आगे निकल ही जाता अगर आपने बीच में वो पत्थर नहीं फेंका होता। फिर भी तेरे से पहले तो मैं फिनिशिंग लाइन के पास आ गई थी। लेकिन जीत तो आपकी नहीं हुई। जीत तो तुम्हारी भी नहीं हुई, तो अब फैसला कैसे होगा? रमेश का ख्याल कौन ज्यादा रखता है? शारदा की बातें सुन के रमेश कहता है, आप दोनों ही रखती है, इसीलिए तो जीतने के लिए चीटिंग तक कर ली। अब बता बहू इससे क्या साबित हुआ? यही कि माँ जी जो जीता वही सिकंदर। अरे चुप कर, तेरे फिल्मों वाले डायलॉग। इससे ये साबित हुआ कि हम इसका ख्याल रखे ना रखे, रमेश हम दोनों का ख्याल अच्छे से रखता है। फिर वो तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहानी यहीं खत्म होती है।